सर यू हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द सेशन हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर अब मेरा ये इशू है फेलियर तो देख लिया चोड़े होके ऐसे करके आ जा फेलियर अमना इश्यूज मेरे अंदर सेंस ऑफ अनएकम्पलिशमेंट है कि मैंने ये अचीव नहीं किया शिट यार आई को टू दिस बट ये अचीव नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन पर्सनल और वट तो इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए बाई द वे आई एम इन सी ए फाइनल तो अभी आप फाइनल में हाँ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप ग्रुप इन सेकंड में फ्यू मार्क्स का था कि 40 नहीं बने और एग्रीगेट फिफ्टी परसेंट पास कर दिया अगेन बट मेरे को जब फेल हुई तो मेरे को ऐसे फील नहीं हुआ बट स्टिल like अभी तक इट्स बीन मोर देन मंथ आई फील लाइक आई कुड है uh -huh. So राइट right? <laughs> अब नहीं होंगे यहाँ कितने सीए स्टूडेंट्स बैठे हैं कितने सीए कर रहे हैं हाँ हा, सुनते जाओ Sir? चार बार हाँ जी Sir? कितनी Sir? बार फोर टाइम्स थ्री टाइम्स आप तो बहुत अमीर हो सारे <laughs> गरीब बैठे हैं आप <laughs> मेरा हेल्थ इश्यू आ गया था तो एक पेपर में थर्टी समथिंग आई फोर्टी नहीं अचीव हुआ अदरवाइज तो मैं बन जाती मेरे को पता है मेरे को कॉन्फिडेंस है बट स्टिल लगता है कि यार हो जाता घर वाले भी खुश हो जाते कि हाँ लड़की फ्री हो गई है आ, अभी तो आप सोचो एक बार फेल हुए भगवान ना करे मतलब <laughs> नहीं होंगी मैं <दीव> <laughs> <laughs> कैसे कह सकते मेरे को पता है अपने आप पे पता है मेरे को पक्का हंड्रेड एंड वन परसेंट श्योरिटी आपका क्वेश्चन ये है कि फेलियर चाहे एक बार हो चाहे चार बार हो चाहे दस बार हो चाहे कितनी भी बार हो फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता है हमें बुरा लगता है और बार बार सिर्फ ये नहीं खटक रहा होता कि हम फेल हुए हैं ये भी साथ में खटक रहा होता है कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं yes, exactly. दोनों चीजों में हमारा माइंड डेविएट कर रहा होता है अब अगर इन दोनों जगह पे हमारा माइंड घूमता रहेगा तो अभी जो करने वाला काम है वो हम कैसे करेंगे एग्जैक्टली exactly. करना कुछ और है आप सोच क्या रहे हो मैं सक्सेसफुल हो जाता या हो जाती तो मजा आ जाता तो फेल क्यों हो गई व उसकी वजह से हो सकता है वैसे हो गए नहीं आपने एक सौ एक परसेंट बोला है। हो सकता है अगली बार भी फिर उसकी अगली बार भी फिर उसके <laughs> <laughs> तो पहली बार हो रहा है <laughs> फिक्र असली में नहीं मारा आपने बच गया आज तो मैं <laughs> नहीं नहीं आप पास हो गए अगली बार टॉप करोगे <laughs> मत तो मत डरो मत डरो <laughs> मेरी टाइट है आप टॉप करोगे जी आप तो कुछ ऐसा करोगे जो आज से पहले किसी ने so कितने लोग चाहते हैं आज के सेशन का ये टॉपिक होना चाहिए बहुत बढ़िया जी मतलब बेसिकली क्या हो रहा है हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं मैं भी आपका एग्जाम्पल नहीं लेता क्योंकि आप तो एक ही बार फेल हुए हो बाकी जो लोग यहाँ पर तीन बार चार बार कितने लोग हैं जो दो बार तीन बार चार बार सी ए के अटैम्प्ट दे चुके हैं बार 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 ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है और फेल सिर्फ दुनिया की नज़र में नहीं हो रहे हैं खुद की नज़र में भी हो रहे हैं बाहर से हम दिखा सकते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है अंदर से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ऐसा हो ही नहीं सकता आपको फर्क ना पड़े तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है क्या ये पॉसिबल है कि हमारी जो ब्रेन है उसका जो कंट्रोल है पूरी तरह से नहीं लेकिन काफी हद तक हमारे हाथ में आ जाए यस तो आपने बोल दिया कैसे सर आपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड में आपने बताया था कि अपनी कमियां देखो पहले फिर उसे धीरे धीरे अपनी हैबिट में लेकर आओ तो आप धीरे धीरे जब उसे हैबिट में लेकर आओगे तो वो आपका नॉर्मली आपका रूटीन बन जाएगा कि हाँ हमें ऐसे करना तो इस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं एक चीज और करो यहाँ पर जब भी मैं किसी भी सेशन को टच कर रहा हूँ ना जैसे अब यहाँ पर जो टॉपिक टच हो रहा है सिर्फ वहीं पर रहो पुराने मेरे जो सेशन है उसको भूल जाओ पूरे तरीके से उसको कनेक्ट करके अगर आज के टॉपिक को आप समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उसमें कोई अलग बात हो रही थी आज कुछ अलग बात हो रही है आप समझ गए ना तो आज जो टॉपिक हो रहा है सिर्फ उसी से रिलेटेड माइंड है तो थॉट्स में भटकता रहता है अनलिमिटेड तो हमारे माइंड में चलते रहते हैं तो क्या यह पॉसिबल है कि आपकी जो ब्रेन है ये जो आपकी ब्रेन है जिसके अंदर एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं जिस वजह से जो काम करना है जो थॉट वहां पर टिका रहना चाहिए वो टिका नहीं रहता है क्योंकि वो एकदम से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एक और थॉट आ जाता है समझ गए ये समझ पा रहे हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है समझ पा रहे हो ना कुछ भी ना समझ आए तो आपको रोक सकते हो जैसे मान लो ब्रेन आपकी एक स्क्रीन के जैसी है उस स्क्रीन के ऊपर आप क्या चाहते हो एक थॉट है वो बना रहे मुझे सीए करना है और मुझे सिर्फ पढ़ना है और पढ़ करके सीए क्लियर करना है आप चाहते हो ये थॉट बना रहे लेकिन ये बना नहीं रहता और थॉट आते रहते हैं अनलिमिटेड घर में कुछ हो गया उसके थॉट्स आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड था आ रहे हैं अपने पास से रिलेटेड था आ रहे हैं फ्यूचर से रिलेटेड डर पैदा हो रहे हैं अंदर कई तरह के जो गलतियां आपने करी है वो याद आ रही है मतलब अनलिमिटेड थॉट्स तो वो क्या रहा है कोई भी एक थॉट टिक नहीं पा रहा है तो जब टिकेगा नहीं तो उस पर आप कंसंट्रेट कैसे करोगे उस पर आप फोकस कैसे करोगे फोकस करने का मतलब क्या है किसी एक काम के ऊपर कि उस काम का थॉट आपकी ब्रेन में टिका रहे बट वो थॉट आए और कुछ सेकंड्स के लिए आए आप उसको टिकाए रखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन इतनी देर में और थॉट्स उसको बहा ले फिर वो चलने शुरू हो जाए गंदी फिल्म चलने लग जाए और समझ ही नहीं आए कि उस फिल्म से बाहर कैसे आए वो फिल्म जो हम नहीं देखना चाहते हैं है? फिल्म के जैसे नहीं है तो yes, समझ गए मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो ब्रेन है उसके ऊपर एक थॉट बना रहे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो एक्स्ट्रा थॉट्स आ रहे हैं उसका जो पूरा का पूरा बर्डन है क्योंकि वो भाव बहुत तेज है समझ पा रहे हो yes, आ, कि वो धीरे धीरे कम हो जाए और धीरे धीरे अभी एक दिन में नहीं होगा इस समझ से होगा इतना कम हो जाए तो बिल्कुल एक पीसफुल लेक के जैसा हो तो क्या होगा Live in present moment. हाँ, ये तो हम बोल रहे हैं सबको पता है live in present moment. मैं इसकी डेप्थ में जा रहा हूँ मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी कोई और ये बातें करेगा नहीं क्योंकि इतना डीप में कोई जाता नहीं है, सा आते है वो सारे होते हैं मतलब हो क्या रहा है आपके अंदर जो थॉट का भाव है वो बहुत तेज है एक थॉट आता है पॉजिटिव उसके बाद में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स सा आते हैं एकदम से बहा करके ले जाते हैं पता ही नहीं लगता कहा गया मतलब पॉजिटिव रहने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा है नेगेटिव रहने के लिए कोई एफर्ट की जरूरत ही ही नहीं है है नेगेटिव 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 तो हम अनलिमिटेड थॉट चलते रहते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव भी आप लेबल लगा रहे हो थॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं थॉट थॉट होते हैं कोई भी थॉट आते हैं आपके माइंड में अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है जो काम आप अभी कर रहे हो समझ गए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो आपको उस काम से आपका ध्यान हटा देते हैं सपोजिंगली मैं यहां पर बैठा हूं आप लोगों के साथ में मेरा काम क्या है अभी आपने मुझे एक प्रॉब्लम दी है और हमको मिलकर के उसका सोल्यूशन निकालना है यही काम है और तो कोई काम नहीं है इस वक्त चाहे मेरे माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आए चाहे पॉजिटिव आए दोनों ही डिस्ट्रैक्शन है समझ गए मैं बैठ करके सोचने लग जाऊं हाँ जी कितना मजा आएगा ये वीडियो अपलोड होगी मैं पॉपुलर हो जाऊंगा ये ये क्या है पॉजिटिव ही बोलते हो ना आप इसको हाँ मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा ये पॉजिटिव थॉट्स हैं बेकार है किसी काम के नहीं जो काम हम अभी कर रहे हैं उससे इसका कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक डिस्ट्रैक्शन है चाहे नेगेटिव थॉट्स आए ये तो किसी को समझ ही नहीं आएगा सेशन ये तो बहुत डीप है लोग तो खचरों के जैसे हैं <laughs> उनको ऊपर ऊपर की लेवल की बातें अच्छी लगती है ये डीप बातें किसको समझ आती है कौन समझना चाहता है तो क्या होगा किसी को समझ ही नहीं आएगा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा मेरा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा मिशन क्या है कि आप लोगों की लाइफ बेटर हो और कुछ नहीं है बेटर होने का मतलब क्या है आपको समझ आए कि अपने थॉट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बिना लाइफ बेटर नहीं हो सकती है कुछ अचीव कर भी लिया ना जो सोच रहे हो ये 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 मुझे यहां जाना है इस कॉलेज में घुस गया ये सिर्फ इल्यूजन होती है आपको लगता है कि ये होते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एक बार देखो जिन लोगों के साथ में वो हो गया है क्या उनकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई है जो, जो, उसके बाद में मैं इस कंपनी में घुस जाऊंगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उस कंपनी में अलग तरह की प्रॉब्लम है आज आपकी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम है तब अलग तरह की तब अलग तरह की लेकिन इन सब प्रॉब्लम को अगर एक वर्ड में समाप्त किया जाए एक वर्ड में वो है थॉट हमें लगता है बाहर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है प्रॉब्लम हमारे अपने ही थॉट्स की वजह से हमको हो रही होती है जो लोग आपके घर में जैसे हैं वैसे हैं वो बदलने वाले नहीं हैं जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है तो आप कह रहे हो बिल्ली बुरी है चूहा बेचारा बड़ा अच्छा है तो बिल्ली चूहे को क्यों खाती है ये आपकी प्रॉब्लम है समझ गए आपके घर में कोई डोमिनेटिंग है तो वो बिल्ली हो गया आप चूहे हो गए तो आप कह रहे हो बिल्ली चूहे को क्यों खाती अरे खाती है ऐसी ही है दुनिया तो उसकी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसके अपने ही थॉट्स उसके अपने ही गलत एक मिनट

थॉट्स भी जरूरी सर दोनों चीजों को बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है नहीं तो आप बैलेंस नहीं बना सकते लाइफ में सर आपकी वेबसाइट पे पे एक बुक मेंशन है दैट इज uh, भूल जाओ जाओ आ समझ गए सारी बुक्स को उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दो अभी फिलहाल के लिए अभी जिस टॉपिक पे हम हैं सिर्फ वहां पर रहो देख रहे हो आपका माइंड कहा जा रहा है yes, यहाँ पर आ जाओ मेरे सेशंस को भूल जाओ जो पास में हुए हैं उसका आज के सेशन से कोई कनेक्शन नहीं है जो बुक्स है वो बुक्स सिर्फ बुक्स है वर्ड्स है उन वर्ड्स का आप करोगे क्या पहले वर्ड्स कम है क्या माइंड में आपके जो वर्ड्स हैं वही तो आपकी लाइफ की सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो थॉट चलते हैं वो है क्या वर्ड्स ही तो हैं तो और वर्ड से क्या होने वाला है प्रॉब्लम तो बढ़ेगी बढ़ेगी या कम होगी तो अब देखते हैं ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इससे बाहर कैसे आना है ये हमारा आज का चैलेंज है बल्कि मैं तो ये कहूंगा अब ये पता नहीं आप लोगों को समझ आएगा या नहीं आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही थॉट्स से हम बाहर कैसे आए पॉजिटिव थॉट्स आपकी जो पावर है रियलिटी को एज इट इज देखने की उसको खत्म कर देती है। आप किसी किसी रिलेशनशिप में में हो हो, और किसी लड़के के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हो, तो अगर उसके अंदर कुछ नेगेटिव भी होगा, तो तो आपको नजरी नहीं आएगा। तो पॉजिटिव तो हम हर्ट होते रहे तो ऐसा ही है। मैंने ये कब कहा कि मतलब

और मधुमक्खिया मुझे काटती है ऐसा क्यों होता है पास जाना बंद कर दो अब मैं इशारे में बात कर रहा हूं लेकिन समझ लेना इन इशारों को समझ गए ना आपके घर में कुछ मधुमक्खी के छत्ते होंगे उनके आसपास जाओगे तो डंक लगेगी मेरी प्रॉब्लम है मेरे माँ बाप मेरी प्रॉब्लम है सपोर्ट मेरी प्रॉब्लम है ये वो वैसे ही रहने वाला है अब बोलो आप क्या चाहते हो मुझसे क्या जवाब चाहते हो कि मेरे माँ बाप बदल जाए अरे मेरे नहीं बदले आपके कैसे बदल जाएंगे चलो उनको छोड़ो आप खुद नहीं बदले आप किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बदल जाएगा yes, आपका खुद का जो बेसिक नेचर है क्या वो बदल गया है पूरी तरीके से नहीं बदला है तो चुप हो जाओ नहीं लेकिन आपको भी कहते हैं हम भी ऐसे कैसे चुप हो जाए हम भी अपनी जगह पर लगे हुए आप भी अपनी जगह तो मैं भी वहां पर जा ही नहीं रहा हूं वो एक एंडलेस डिबेट है

ये हो सकता है कि मेरा जो खुद का जो ब्रेन है ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास में कंप्यूटर के जैसा इसका कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाए एक स्विच आ जाए न मुड़ किया ऑन कर दिया मुड़ किया ऑफ कर दिया देखो ऑफ है कुछ हटा उठा रहे हैं

तो इसको बोलते हैं अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल होना और कुछ नहीं है यही है माइंड कंट्रोल मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं वॉट इज इल्यूज़न अरे इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हो वॉट इज थॉट थिंकिंग प्रोसेस वॉट इज थिंकिंग प्रोसेस थॉट और थिंकिंग में क्या फर्क होता है देखा है आपने उस बबल को कभी

तो अगर मैंने पूरी जिंदगी यही देखा है तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है इसके बारे में सोच नहीं सकता जैसे कुएं का मेंढक तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है कुएं तक है समुद्र की मछली उसका व्हाट इज थॉट अगर ये समझ आया तो कुछ कर पाओगे ये किसी बुक में नहीं मिलेगा तो बुक्स को छोड़ दो व्हाट इज वर्ड्स

जो चुटकी बजाऊंगा इसकी आवाज को सुनना और जब ये आवाज नहीं होगी तब भी इसको सुनते रहना कोई थॉट था नहीं था तो थॉट गायब हो गया था तो थॉट क्या है अपने आप से बात करना बिना अपने आप से बात करे क्या कोई थॉट हो सकता है सोच के दिखाओ कोई ऐसा थॉट सोच करके दिखाओ जिसमें कोई वर्ड ना जुड़ा हुआ हो कोई सिंबल ना हो कोई पिक्चर ना हो दिखाओ कोशिश करो करो ना कोशिश अभी की अभी करो ना कल के ऊपर पोस्टपोन क्यों करना है क्यों वर्ड्स में जाकर के लजना है क्यों बुक्स में अपना दिमाग खचड़ पचड़ करना है लोग होते हैं लाखों बुक्स पढ़ लेते हैं समझ कुछ भी नहीं आता है पहले भी उनकी प्रॉब्लम की जो जड़ थी वो थॉट्स थी थॉट्स की जो जड़ है वो वर्ड्स हैं थॉट इज नथिंग बट अ वर्ड वर्ड इज इज रिलेटेड टू समथिंग समथिंग व्हाट दैट आपके जो पांच सेंसेस है थोड़ा डीप हो जाएगा कोशिश करूं कोशिश करना पकड़ने की थोड़ी हिम्मत करो ठीक है थोड़ी सी हिम्मत किया करो कभी कभी <laughs> हमेशा कॉमेडी नहीं होती है कभी डीप में जाकर के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने होते हैं आपके पांच सेंसेस हैं ये पता है आपको yes, उन पांच सेंसेस के थ्रू कुछ सेंसेशन होती है yes, कुछ सुंगा तो आपको पता लगा तो उसको आपने एक वर्ड दिया हुआ है ये अच्छी स्मेल है ये बुरी स्मेल है ये जो हुआ एक्चुअल में वो क्या है वो एक सेंसेशन है कुछ दिख रहा है एक इमेज दिख रही है दिखता है तो वहां पर थॉट नहीं होता है लेकिन जो दिख रहा है उसके बारे में जो आप बोल रहे हो उसको थॉट बोलते हैं पकड़ में आ रहा है yes, कोशिश कर रहे हो yes, मेरे साथ साथ में आगे बढ़ रहे हो तो व्हाट इज थॉट ट इज लैंग्वेज लैंग्वेज में क्या आ गया लैंग्वेज को आप इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो नाउ डोंट गेट लॉस्ट इंटू वर्ड्स मेरे वर्ड्स को मत पकड़ना ये गलती आप लोग करते हो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि अभी जो आपने अपने सेशन में ये बोला है वो तो ये आपने बोला है पहले सेशन में ये बोला था जो मैं वर्ड बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं इस बॉटल को बॉटल बोलूं टोटल बोलूं पॉटल बोलूं कॉटल बोलूं नॉट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये है मैं क्या बोल रहा हूं इस बॉटल के बारे में वो आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है या वर्ड्स में उलझे पड़े हो अगर आप वर्ड्स में उलझे हुए हो तो आप मेरे भी देख देखते तो रहे हो लेकिन आप थॉट्स में उलझे हुए हो, हो अगर देख पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं तो आप थॉट्स को यूज कर रहे हो कुछ समझने के लिए इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कोई ऐसा वर्ड बताओ जो इंग्लिश और हिंदी में कॉमन हो बताओ हाँ सफर सफर राइट right, हाँ देखो कितना सिंपल है सफर। आप सफर करके यहां तक पहुंचे और यहाँ पर पहुंच तो गए लेकिन अभी भी सफर कर रहे हो <laughs> क्या बड़बड़ कर रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सब कुछ हमारे ऊपर से जा रहा है अपने सेशन में मैं बात किसकी कर रहा हूं पहले तो आपको यह समझना है इसको लिंक नहीं करना है कि आपने जो सफर वर्ड यूज किया अच्छा है अब आप कह रहे हो सफर करना बुरा है उस सफर के साथ में जैसे आप जिस भी तरह से समझोगे उससे रिलेटेड थॉट्स आपके माइंड में आएंगे उससे रिलेटेड और जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो आपके माइंड में आएंगे समझ गए ना उससे रिलेटेड कहानियां आपके माइंड में बनेंगी वो कहानियां क्या है अगर वर्ड ही नहीं है तो इट इज ऑल अगर सबको मैं उठा करके एक सिंपल उसमें डालू तो लैंग्वेज लैंग्वेज लिमिट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे जानवरों के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको जानवर कोई भी डिप्रेस नहीं मिलेगा कभी भी इंजोयर्ड मिल सकता है डिप्रेशन की गोलियां खाता हुआ नहीं मिलेगा क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी ज्यादा इवॉल्व नहीं है तो उनके माइंड में कंफ्यूजन नहीं है बिल्ली के माइंड में कंफ्यूजन नहीं है कि मैं चूहे को खाऊं या ना खाऊं कि मैं वेजिटेरियन बनूं या नॉन वेजिटेरियन बनूं कि इस किताब में लिखा है कि वेजिटेरियन होना अच्छा है इस किताब में लिखा है कि कोई बात नहीं नॉन वेजिटेरियन होना भी ठीक है तो अब मैं क्या करूं कंफ्यूज हो गए अगर मैं इस चूहे को खाऊंगी तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा मैंने चूहे के ऊपर अटैक किया लेकिन चूहा बच करके निकल गया मैं फेल हो गई बिल्ली आप हो बिल्ली को मत समझ लेना बिल्ली की नहीं आपकी बात हो रही है बिल्ली के थ्रू पकड़ में आ रहा है ना मैंने दोबारा अटैक किया दोबारा वो बच करके निकल गया अब मेरी ईगो हर्ट हो रही है चूहा है क्या मेरे आगे दो कौड़ी का चूहा छोटा सा और मैं बिल्ली मैं बिल्ली हूं मेरे ये बच्चे हैं चिल्लीस बिल्ली बिल्ली के चिल्लीस अच्छा अच्छा नाम लगता है क्यूट लगता है सुनने में चिलीज और मेरा जो बिल्ला है वो जो जो पास वाली जो एक नाली है वहां पर जो चिल्लीज हैं उनकी जो मम्मी है उसको देख रहा है इतनी लंबी कहानी बन रही है कहां बन रही है थॉट के लेवल पे पकड़ने में आ गया हाँ तो ये सब चीजें आपको जानवरों में नहीं मिलेगी मिलेगी क्या नहीं।, नहीं मिलेगी क्या मिलेगी साइन लैंग्वेज मिलेगी लैंग्वेज है वहां पर भी ये मतलब जो लैंग्वेज नहीं है जैसे ही सपोजिंगली जंगल में शेर आ रहा होता है किसी जगह पर सपोज पानी पीने के लिए आ रहा है किसी नदी के पास में तो वहां पर जो जानवर होते हैं उनकी अपनी एक लैंग्वेज है वो शोर करते हैं कई तरह के इशारे करते हैं और बता देते हैं तो उनके लिए अगर प्रॉब्लम है भी तो कितनी देर के लिए जब तक के लिए वहां पर शेर आया उसकी भी प्रॉब्लम का उन्होंने इमीजिएटली सोल्यूशन निकाल लिया किससे लैंग्वेज से तो लैंग्वेज उनको हेल्प कर रही है और आपको क्या कर रही है अभी ये ले रही है। <laughs> अच्छे तरीके से आपको रगड़ रही है ये लैंग्वेज समझ गए ये लैंग्वेज ही थॉट्स है किसी जानवर को आपने नहीं देखा होगा बैठ करके सोचते हुए मेरा फ्यूचर कैसा होगा पास्ट में मैंने क्या सही गलत किया सोचते ज़्यादा है। आ, समझ पा रहे हो ना मैं कहा लेकर के जा रहा हूं आपको प्रॉब्लम पकड़ में आ गई थॉट समझ में आ गया वॉट इज थॉट व्हाट इज लैंग्वेज लैंग्वेज ज्यादा इवॉल्व हो गई है इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है हर वर्ड के मल्टीपल मतलब है सोचो ना कितना कॉन्फ्लिक्ट है लैंग्वेज के अंदर और लैंग्वेज को हम रियलिटी समझ रहे हैं एंड लैंग्वेज इज नॉट द थिंग पहले समझ लो इस बात को अच्छे तरीके से बॉटल इज नॉट द बॉटल ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया <laughs> बॉटल वर्ड इज नॉट द रियल बॉटल पानी मैं बोलता रहूं पानी आप कहोगे प्यास लगी है पानी पानी प्यास बुझ जाएगी असली पानी से प्यास बुझेगी तो क्या पानी जो वर्ड है वो असली पानी है समझ आ रही है बात कोशिश करना समझने की ये बड़ी सिंपल लग रही होगी आपको सुनने में ये कितनी डीप है अभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते वर्ड इज नॉट द रियल थिंग लैंग्वेज वट एवर यू टॉक अबाउट संदीप वट एवर यू थिंक अबाउट संदीप वॉट एवर यू स्पीक अबाउट संदीप इज नॉट द रियल संदीप समझ गए इस बॉडी का नाम संदीप से बदल करके अगर फंदीप भी रख दिया जाए पंदीप भी रख दिया जाए मंदीप भी रख दिया जाए गंदीप भी रख दिया जाए कुछ भी रख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो वर्ड्स क्या है थॉट्स क्या है लैंग्वेज क्या है उसका रोल क्या है क्यों है लैंग्वेज समझो हाँ समझ गए इतनी जल्दी समझ गए समझ गए, गए।, गए।, गए। खत्म करना है क्या सेशन को लैंग्वेज yes. क्यों है चाहे जानवरों में है इंसानों में है लैंग्वेज क्यों है फॉर कम्युनिकेशन yes, समझ आ गया yes, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन आपको प्यास लगी है अब आप कैसे मुझे समझाओगे कि मुझे पानी चाहिए मुझे प्यास लगी है कैसे समझाओगे बच्चा कैसे समझाता है रो करके समझाता है अब आप रो करके समझाओगे इतनी लैंग्वेज तो आती है तो आप क्या कहोगे मुझे प्यास लगी है पानी चाहिए तो आपकी मदर ले बेटा पानी पी ले काम खत्म लैंग्वेज का रोल सिर्फ यहीं तक है लेकिन हम लैंग्वेज को कैसे यूज कर रहे हैं गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि किसी को पता ही नहीं है थॉट क्या है किसी को पता ही नहीं है माइंड क्या है जिन जिनकी बुक आप पढ़ते हो उनसे पूछो आपको खुद को समझ आया है उनको लगता है वर्ड इज द थिंग द वर्ड माइंड इज नॉट द रियल माइंड समझो अंकल समझ आ रही है बात मेरी आपने माइंड के बारे में हजार बुक्स पढ़ ली तो आपको क्या लग रहा है आपको माइंड के बारे में सब कुछ समझ आ गया है स्विमिंग 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 उसके ऊपर बुक्स पढ़ ली ये कर ली जब तक पानी में उतरोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा स्विमिंग क्या होती है आपको गलत है हो जाएगी हाँ मुझे स्विमिंग समझ आ गई है और पूरा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा तो मुझे स्विमिंग आती है क्यों आती है मैंने हजारों बुक्स पढ़ी है स्विमिंग के ऊपर मैंने माइंड के ऊपर हजारों बुक्स पढ़ी है मुझे माइंड समझ आ गया है अब मेरा अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल आ गया है मुझे स्विमिंग आ गई उसको पानी में उतारो बुरी तरह से डूबेगा कॉमेडी होगी वहां पर <laughs> तो ये जो लैंग्वेज है जो बनी थी किस लिए Comedy. इंसान भी पहले जानवरों की तरह ही कम्युनिकेट करता था साइन लैंग्वेज में फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व हुई अगर आप आज भी जाकर के कोई पुरानी गुफाएं देखोगे वहां पर कुछ साइंस आपको मिलेंगे वो साइंस क्या है मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो भी एक लैंग्वेज है साइन लैंग्वेज लेकिन वो साइंस इवॉल्व होते चले गए आ, आ, उ उ अब इ, इ। तो गाने भी बन गए कितनी लैंग्वेज है? है, है? तो है, तो है तो जैसे ही हमको समझ आता है तो क्या होता है कि लैंग्वेज का रोल सिर्फ है कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि एक पेचकस है उसका रोल क्या है उसे आप बाल बनाते हो <laughs> क्या करते हो पेचकस से <laughs> हाँ सब्जियां काटते हो उसका रोल क्या है पेज खोलने के लिए ऐसे इस दुनिया में हर चीज का एक रोल है मोबाइल का रोल क्या है मोबाइल से आप मेकअप करते हो <laughs> मोबाइल से आप मेकअप करना सीख सकते हो बट मोबाइल से आप मेकअप कर नहीं सकते उसके लिए आपको एक मेकअप का ब्रश चाहिए ऐसे ही हर चीज का अपना एक रोल है इस दुनिया में तो जैसे आपको समझ आ जाता है थॉट क्या है तो अब आपको यह भी समझ आ जाएगा थॉट का रोल क्या है थॉट लैंग्वेज इज जस्ट फॉर कम्युनिकेशन दैट्स इट जैसे ये समझ आ गया तो अब आप क्या करोगे थॉट को यूज करोगे सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए और कम्युनिकेट क्यों करते हैं किसी काम को करने के लिए तभी तो कम्युनिकेशन की जरूरत है कुछ करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कम्युनिकेशन चाहिए समझने की कोशिश करना ये मैं आपको आगे लेकर के जा रहा हूं थोड़ा सा डीप में लेकर के जा रहा हूं अगर इसको पकड़ पाओ तो आप थोड़ी सी हिम्मत करो थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करो कितनों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं हाँ कितनों के ऊपर से जा रहा है शुक्र है <laughs> जा भी रहा होगा तो अपना हाथ तो ऊपर करोगे नहीं है कैमरा लगा हुआ है क्या हाथ ऊपर करना है यहां तक पकड़ में आ गया तो अब आप क्या करोगे थॉट को यूज करोगे सिर्फ तब जब कोई काम करना होगा जब कोई काम नहीं होगा तो आप क्या कहोगे थॉट की मेरी जरूरत नहीं है इसको बोलते हैं माइंड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल आ जाना और कोई तरीका नहीं है देर इज नो अदर वे आपको समझ आ जाए थॉट की जगह क्या है आपको समझ आ जाए लैंग्वेज की जगह क्या है उसको अपनी जगह पर आपने रख दिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थॉट इसलिए नहीं है कि कुछ हो गया है उसके बारे में अपने अंदर ही अंदर कुछ बोलते रहो तो उससे क्या होगा जो हो गया है पास्ट में उसको क्या आप पास्ट में जाकर के बदल सकते हो तो अब वहां पर लैंग्वेज का क्या रोल है आप लैंग्वेज को किस लिए 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 यूज कर रहे हो उसके बारे में कुछ कुछ भी भी बोलने के लिए, कुछ भी सोचने के सोचने जिसको आप सोच बोलते हो वो बोलना ही है उसके बारे में कुछ भी अंदर ही अंदर बोलते रहते तो क्यों नहीं होना चाहिए था ये क्या हुआ वो क्या हुआ चलो मेरा तो फेल हो गया उसका क्यों पास हो गया मेरा वो बेस्ट फ्रेंड था वो तो ऐसे दिखाता था कि मैं नहीं पढ़ता नहीं पढ़ती वो टॉप कर गया है मैं वहीं का वहीं रह गया हूँ मेरे माँ ऐसे मुलु। <laughs> मुलु। समझ गए ऐसे क्यों यूज कर रहे हो इस लैंग्वेज को आप क्योंकि तो आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज है किस लिए कभी ऐसा सोचता ही नहीं कोई नो बड़ी थिंक्स इन दिस अगर ये ना समझ आए तो और कोई सोल्यूशन नहीं है आपको लोग क्या बोलेंगे अपने माइंड को कंट्रोल करना है मेडिटेशन करो उससे क्या होगा लगाओ दिमाग मेडिटेशन कर रहे हो बैठ करके आंखें बंद कर ली और मेडिटेशन कर रहे हो क्या होगा अपने अंदर ही अंदर बोलते रहोगे yes, <laughs> चलो ठीक है मेडिटेशन करते 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 कई दिनों तक आपका टॉर्चर किया <laughs> टॉर्चर किया मतलब आपको एक डार्क रूम में ले जा करके बंद कर दिया तो आप क्या करोगे आप आप थक जाओगे दो दिन तक अंदर बड़बड़ बड़ करोगे चार दिन तक करोगे उसके बाद में आप अपने हथियार डाल दोगे फिर क्या होगा आपको एक नींद जैसी एक स्टेट में चले जाओगे जिसको लोग समाधि बोलते हैं नींद जैसी एक स्टेट होगी जहां पर कुछ देर के लिए थॉट चलने बंद हो जाएंगे मतलब क्या आप अपने अंदर अंदर बोलना बंद कर दोगे क्यों क्योंकि आपका बहुत टॉर्चर हुआ जैसे आप एक पार्क में चले जाओ और दो घंटे तक नॉन स्टॉप भागते रहो उसके बाद में आकर के जमीन पर ऐसे लेट जाओ घास के <laughs> ऊपर थॉट्स नहीं आएंगे मेरे से लिखवा करके रख लो को कागज कागज आपका एक्सीडेंट होता है एकदम से कहीं चोट लगती है थॉट्स आने बंद हो जाते हैं क्यों हो जाते हैं फुल फोकस ही नहीं होता उस टाइम पर फोकस आउट हो जाता है समझे फोकस ही आउट हो जाता है गहरी नींद में क्या होता है कहां फोकस होता है आपका नींद पे फोकस होता है जब तक नींद पे फोकस होता है तब तक नींद नहीं होती है नींद का मतलब क्या है फोकस आउट पकड़ में आ रही है ऐसे बात है yes, कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला जो मैं बोल रहा हूं उसको साथ साथ में देखना भी होगा उसको समझना कहते हैं सिर्फ थॉट्स में उलझे रहना नहीं वर्ड्स में उलझे रहना नहीं जो मैं वर्ड्स बोलता जा रहा हूं उनको छोड़ते जाओ समझते जाओ मैं आपको कहां लेकर के जा रहा हूं रिलैक्सेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोलिंग योर माइंड वैल यू आर स्लीपिंग यू आर रिलैक्स बट यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स उठते ही वापस से थॉट्स वहीं के वहीं आ जाते हैं yes. जैसे नशा कुछ देर के लिए आपने नशा किया जब तक नहीं किया था तब तक प्रॉब्लम नहीं थी तब तक यह था कि ठीक है मेरे को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले नशा किया क्या हुआ उससे आप प्रॉब्लम्स को भूल गए थोड़ी देर के लिए डीफोकस हो गया सब कुछ नशे में चले गए अब आपने कुछ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस किया क्या एक्सपीरियंस किया है आपने उस टाइम पे अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए थॉटलेस स्टेट थॉट लेस इट इज नॉट थॉट फ्री लेस नंबर ऑफ थॉट्स इससे आपने क्या सीखा थॉटलेस स्टेट कमाल की है अगर आप वहां तक पहुंच पाओ तो उससे ज्यादा पसंद की और कोई चीज नहीं है आपकी लाइफ में गहरी नींद में क्या होता है थॉट कम्स टू एन एंड स्टेट इसीलिए आपको अपनी नींद से इतना प्यार है कोई है ऐसा यहां पे जिसको अपनी नींद से प्यार ना हो क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जिसको अपनी नींद से प्यार ना हो आपके अंदर रोज सुबह एक लड़ाई होती है दस मिनट और पांच मिनट चलो राउंड फिगर कर देता हूं सवा सात क्या होता है साढ़े सात सवा सात अच्छा नहीं लगता है होता है इससे क्या प्रूव हो रहा है हम सीखते नहीं अपने एक्सपीरियंसेस से जिस दिन आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना शुरू कर दिया आपने ग्रो करना शुरू कर दिया मेरी बातों को उठा करके आपने अपनी ब्रेन में फीड कर दिया तो आप वही गलती कर रहे हो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रही है आपको रोबोट बनाया जा रहा है डोंट बी अ रोबोट डोंट लुक एट माई सेशन एज अ रोबोट ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स एज अन बींग क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से सोते वक्त क्या होता है क्या हमारी ब्रेन डेड हो जाती है डेड नहीं होती है सारे फंक्शन चल रहे होते हैं उसको कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रही है ना बस हम बोलना बंद कर देते हैं जो इस थॉटलेस स्टेट को नहीं समझ पाए ना जो थॉट को नहीं समझ पाए वो क्या मतलब निकालते हैं बस बैठे रहो कुछ नहीं होना चाहिए नहीं that is आपको मरना नहीं है आपको मुर्दा नहीं बनना है आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे थॉटलेस स्टेट में एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरी तरह से साइलेंट है अगर उसके अंदर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली तो इमीजिएट रिस्पॉन्स बाहर आएगा सोच सोच करके नहीं आएगा इसको बोलते हैं साइलेंट ब्रेन वो ब्रेन जो साइलेंट हो चुकी है तो अपने इस गहरी नींद के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा डीप स्लीप से क्या सीखा कि थॉटलेस स्टेट कमाल की है थॉटलेस स्टेट मतलब क्या है जब हम अपने आप से नहीं बोल रहे होते बस ये नहीं है कि हम मर गए होते हैं ब्रेन एक्टिव होती है इनफैक्ट ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है अगर आपको कोई बीमारी है उसको ठीक करना है तो उसका तरीका क्या है जानवर कैसे ठीक करते हैं रेस्ट वट इज रेस्ट थॉटलेस स्टेट तो उसमें क्या होता है ये जो नेचर है वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देता है ये जो नेचर का काम है हम उस काम में बीच में अपनी टांग नहीं अड़ा रहे होते हैं तो नेचर अपना काम ढंग से कर देता है हम टांग अड़ाते हैं तो क्या होता है जागते ही क्या होता है बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं आपको हल्की छी आई हो मैं तो फिर गया समझ गए ये गड़बड़ हो रही है नींद में छीक आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नहीं छीक क्यों आ जाती है नींद में अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है यहां तक तो अब आप क्या करोगे थॉट को लैंग्वेज को एक टूल की तरह देखोगे वो टूल जिसको तभी यूज करना है जब कुछ करना है या तो कोई काम करना है या कुछ सीखना है टैप सेट अगर ये बात आपको समझ आ गई तो क्या होगा अभी भी पुरानी आतों की वजह से कई बार आप थॉट को गलत तरीके से यूज करोगे क्योंकि एक मोमेंटम जब बन जाता है तो एकदम से नहीं खत्म होता है एक ट्रेन ने दो की स्पीड पकड़ ली है तो क्या वो एकदम से रुक जाएगी धीरे धीरे रुकेगी ना बस समझ लेना ये समझ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक करती चली जाएगी अगर मेरी ये बात आपने गहराई से समझ ली है तो

हो सकता है कॉपी लेकर के आए हो पेन लेकर के आए हो कॉपी और पेन क्यों लेकर के आए हो क्योंकि आपको लग रहा था शायद वो यहां पर काम आने वाला है पेजकस काम नहीं आने वाला है तो लैंग्वेज को आप तभी यूज करोगे जब काम आना है तो क्या होता है दिस एंटायर बैगेज ऑफ थॉट इन द ग्राउंड फॉर थॉट इज मेमोरी विदाउट मेमोरी कैन यू स्पीक अबाउट एनीथिंग दिस बैगेज ऑफ मेमोरी कम्स टू एन एंड लो क्या मतलब निकालते हैं मेरे सेशंस का सर मेमोरी से कैसे पीछे छुड़ा अरे घूचू तेरे को मेमोरी से क्यों पीछे छुड़ाना ना? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि मैं बोल क्या रहा हूं थोड़ा सा तो काम आप भी करो मेमोरी से पीछा नहीं छुड़ाना है क्योंकि मेमोरी बहुत काम की है आपकी ब्रेन के अंदर एक मेमोरी पड़ी हुई है कि ये आग है अगर मैं इसके पास में जाऊंगा या जाऊंगी तो जैसे ही टच करूंगी मैं जल जाऊंगी तो आप उसके पास में नहीं जा रहे हो ये कहां से हो पा रहा है मेमोरी से हो पा रहा है पॉइजन लिखा हुआ है एक बॉटल के ऊपर आपको प्यास लगी वो थोड़ी पी लोगे जाकर अगर लिखा है तो चूहे मारने की दवाई पीता है क्या कोई नहीं पीता क्यों नहीं पी रहे होगा पता, हाँ। पता ना हो जैसे कोई जानवर है जानवर पी जाते हैं समझ गए तो ये मेमरी ही आपको जानवर से इंसान बना रही है अगर आपके अंदर से मेमोरी निकल गई तो आप एक जानवर ही हो सारी हरकतें जानवरों वाली है सारी जो बेसिक इंपल्सिस है वो जानवरों वाली है तो अब कुछ भी हुआ पास्ट में आप किसी चीज में फेल हुए सी आपने किया एक बार आप फेल हुए कोई है यहां पर चार बार फेल हुए कोई है पांच बार फेल हुए कोई तीन बार फेल हुए तो अब वहां पर लैंग्वेज का क्या काम है लगाओ दिमाग वाई डू यू नीड थॉट फॉर दैट यू नीड इट मैं ये नहीं कहूंगा जरूरत नहीं है उस मेमोरी की जरूरत है किस लिए है हाँ सीखो समझो कि मैं क्यों फेल हुआ ये सब कहां से हो रहा है मेमोरी से ही तो हो रहा है थॉट के लेवल पे तो हो रहा है लेकिन यहां पर कहीं कोई सफरिंग है नहीं है। तो आप अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो लेकिन एक काम करने के लिए वो काम क्या है सीखना सीखने के लिए आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हो तो अगर आप सीख गए तो क्या हुआ अब आप ग्रो कर गए आपका फ्यूचर आज से बेटर हो जाएगा अगर आप सीख रहे हो तो अगर ये नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे आपको पता ही नहीं है थॉट क्या है आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज क्या है तो अब आप क्या कर रहे हो फेल हो गए अब अननेसेसरी उसके बारे में बोले जा रहे उस बोलने से होगा क्या बिल्कुल ऐसा है आपको प्यास लगी है पानी 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 अरे उससे प्यास बुझेगी कितने साल में बुझेगी कभी नहीं बुझेगी ये बात समझ आनी चाहिए आदमी को ये प्यास बुझती है एक्चुअल पानी से ये जहां पर मैं भी आपको लेकर के जा रहा हूं अगर इसकी डेप्थ को आप समझ पाओ और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार पाओ तो क्या होगा फ्री फ्रॉम फियर एब्सोल्यूटली मतलब एब्सोल्यूटली जीरो फियर कोई शेर आपके सामने आया वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है वो डर नहीं है समझ गए क्योंकि उस वक्त तो या तो आपको भागना है या उससे लड़ना है या पेड़ पे चढ़ना है तो वहां पर तो इमीजिएट सेप्शन फॉलोड बाय एक्शन शेर दिखा एक्शन हुआ <laughs> फियर किसे कहेंगे शेर आ गया तो क्या होगा फ्री फ्रॉम ऑल योर साइकोलॉजिकल फियर्स क्योंकि अब आपको पता है इस लैंग्वेज को यूज क्या करना है आना है आएगा नहीं आना है नहीं आएगा खत्म थॉट दतल ना कोई एक्सपीरियंस अच्छा है लाइफ में ना बुरा है अगर आप उससे सीख रहे हो तो नहीं सीख रहे हो तो अच्छा भी बुरा है सीख रहे हो तो बुरा भी अच्छा है सीख रहे हो आगे बढ़ रहे हो तो लाइफ में कभी ना कभी आगे बढ़ जाओगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर जाओगे विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच